मुझे जाना है सेंटर देखने, एग्जाम होने को है। तो पहले सेंटर कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है, सब देख के आते हैं आज। क्योंकि पानी हो रहा था काफी ज्यादा, अभी देखो कितना धूप है। काठमांडू का कोई भर नहीं है। आप अभी आगे घंटाघर एरिया देख सकते हो, मेरे पीछे पीछे काश्मीरी मस्जिद देख सकते हो। यहाँ देख सकते हो कितना मस्त व्यू है एकदम। अभी फैजान नहीं आया, सर पर आया मेरा इसी बिल्डिंग में। कैसा कॉलेज है यार, गलियों से निकलते हुए जी का आता पता नहीं है, पता नहीं क्या है, कैसे हो गए ये बोर्ड यहाँ पे। इसके लिए इतना दिनों से परेशान थे यार। सो है गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहें। तो अभी सुबह के बज रहे 10, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस एंड आज है जुमा का दिन, तो चलते हैं नमाज उमाज पढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो इसमें कपड़ा है मामा का, तो वहीं पर नहा धो के नमाज पढ़ने जाएगा, तो चलते हैं। एंड आज सेंटर देखने भी जाना, एग्ज़ाम कहाँ पर पड़ेगा हम लोगों का। तो ये सीन, अभी बस पकड़ते हैं निकलते हैं। आगे बस स्टॉप देख सकते हो, वहाँ पे बस है, तो जल्दी से बैठते हैं निकलते हैं यहाँ से। सो अभी जस्ट निकल के बस से देख सकते हो एयरपोर्ट के साइड में, एंड चलते हैं। आप मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों ऑफिस जाके। सो टुडे इज़ नेक्स्ट डे, मतलब जुमा का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, एंड आज है शनिवार, सैटरडे। तो कल कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं तो मैंने शूट नहीं किया। तो अभी जा रहा हूँ फैजान के रूम, इसलिए कि मुझे जाना है सेंटर देखने, एग्ज़ाम होने को है। तो पहले सेंटर कहाँ है क्या नहीं है सब देख के आते हैं आज। तो अभी जा रहे बस पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे फैजान के रूम, उससे मिलने के बाद सीधा निकलेंगे अपन सेंटर की तरफ। तो देखते हैं, देखो क्या आते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, यही सीन। अभी तो निकल, तो अभी बस गए 3 एंड अभी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। एंड अभी देखो कितना धूप है, काठमांडू का कोई भर नहीं है यार, कब पानी होना चाहिए, कब धूप हो जाए, कुछ नहीं रहता। तो अभी आप चलते हैं, उसको कॉल कर दिया तो फैजान को, तो वो भी निकल जाएगा, तो हम भी चलते हैं। तो आगे जस्ट बाग बाजार आएंगे, यहाँ से जमल जाना पड़ेगा, तो फैजान का इंतजार करते हैं, वो भी निकल रहे हैं रूम से। अभी आगे घंटाघर एरिया देख सकते हो मेरे पीछे, एंड यही है, तो यहाँ से भी निकलते हैं जल्दी से। अभी जस्ट मेरे पीछे काश्मीरी मस्जिद देख सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ से बस 2 मिनट लगेगा, चल के उस साइड जाना पड़ेगा, तो देखते हैं। उसको भी कॉल करते हैं यार, कब से इंतज़ार करा रहा है हमको। तो मेरे पीछे देख सकते हो कितना मस्त व्यू है एकदम। अभी फैजान नहीं आया तो मैं इधर उस चूल्हे पे देख सकते हो। तो फाइनली फैजान देखो यहाँ पे आ गया, एंड काफ़ी मशक्कत के बाद एंड इसी कॉलेज में शायद से यहाँ पे सेंटर पर आया मेरा, इसी बिल्डिंग में। कैसा कॉलेज है यार, गलियों से निकलते हुए गजब कहानी। लाइट की वजह से वीडियो नहीं आ रहा, बंद है शायद। यही था हमारा सेंटर, यहीं पे एग्ज़ाम होगा, एंड किसी का आता पता नहीं है, पता नहीं क्या है, कैसे होगा एग्ज़ाम गलियों में आके। इस बिल्डिंग में अन्नापुर में कॉलेज है, उधर बोर्ड लगा है, तो देख सकते हो आज आगे सेंटर पे ये बोर्ड यहाँ पे। इसके लिए इतना दिनों से परेशान थे यार, ऐसे बिल्डिंग में कैसा चलेगा भाई, कोई नहीं था पूछने के लिए भी, कोई नहीं। 8 बजे से 11 बजे इसका पीछे के भी गेट भी बंद है यार, तो पता नहीं बंद है कि क्या। देख सकते हो ऐसा ये है कॉलेज, तो इसी में है अपना सेंटर पर। तो देखते हैं क्या होता है यार अब। सो अभी जा रहे हैं फैजान के रूम, एंड वहीं पे आज खाना पीना होगा रात में। तो यही है सीन्स, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फिर से देखो कहाँ पे घूम घूम के एक ही जगह पे आते हैं घंटा घर पे। तो चलते हैं अब सीधा यहाँ से रूम, एंड देखते हैं क्या होता है, पढ़ना भी है आज रात भर। तो यही है।